मेरा नाम है प्रहलाद राय नागर। मैं 18 साल का था तभी से ये काम चालू किया था। काम सीखा था मैंने दादाजी से। मेरा नाम संजय नागर छिप है। पापा के साथ में मैं शुरू से ये प्रिंटिंग का काम ही करता था। वैसे दिमाग में बैठ गई थी भाई ये काम बहुत अच्छा है, तो मैंने इंटरेस्ट लेके इसको सीखा था। सवेरे उठते 4-4:30 बजे हम उठ जाते हैं। उठ के हमारा ये भट्टी का काम करते हैं, जो भी रंगाई करनी पड़ती है वो उसको चालू कर देते हैं। 12-1 बजे तक काम करते हैं, फिर 1-2 घंटा हम रेस्ट करते हैं, फिर वापस काम में जुड़ जाते हैं। भाई पहले तो होता था मतलब छोटी छोटी पटिया के ऊपर काम, छोटे छोटे ब्लॉकों से, और आजकल क्या बड़ी बड़ी टेबलें बन गई 18-18 फीट की, उसके ऊपर वो प्रिंट होता है, तो उसके ऊपर 50 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक का निकल जाता है इसके अंदर। ये काम मैंने 1976 के अंदर सीखा हुआ था और जब से मैं बराबर कंटिन्यू यही काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये हमारा जो ब्लॉक पकड़ने की कला मेन चीज, जैसे कि ये बड़ा ब्लॉक है तो हम इस तरीका से ऐसे पकड़ते हैं, जैसे कि यहाँ के मैं चिपक कर आता हूँ और ये यहाँ से लगाता हूँ, तो ये मेरी कलाई जो है, अगर सही ढंग से ब्लॉक मैंने पकड़ा है तो सही आएगा। तो इस वजह से जैसे कि यहाँ से चिपकने कुछ ही सेकेंडों में मतलब ऐसे जोड़ के यूँ लगाना पड़ता है जब ये ब्लॉक सही आता है। दो प्रकार की प्रिंट होती है, एक तो होती है अजरक प्रिंट और एक होती है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट तो बनती है अपने काली मिट्टी, चूना और गोंद और गेहूं, जो खराब गेहूं होते हैं उसका बीदन बोलते हैं, उसका आटा वो मिक्स करके और इसके पैरों से खुंदाई करके और फिर वो पेस्ट बन जाता है। अजरक जो प्रिंट होती है वो होती है वही गोंद और चूना और आंकड़े का दूध और मुल्तानी मिट्टी, वो मिक्स करके और फिर उसको प्रिंट करते हैं। एक सूट बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले तो कपड़ा मतलब ग्रे कपड़ा वाशिंग होता है, उसको वाशिंग होने के बाद में हैड़ा होती है, उसको प्रिंट होती है, धुलाई होती है, फिर भट्टी लगती है, फिर वापस धुलाई होती है, फिर उसको सुखाते हैं। इस काम करने में सर मज़ा तो खूब आता है, क्यों कि इस काम से जैसे कि आप लोग जैसे आते हैं पूछते जानकारी होती है और भी लोगों को ये मालूम बताते हैं यार काम अच्छा है, और दूसरी बात इस काम के अंदर खुले में काम होता है, पाबंदी नहीं रहती है टाइम टेबल की। जैसे मैं 10 बजे भी आता हूँ तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्यों कि मैं मीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, इस वजह से मैं आराम से काम करते हैं। ये मेरे दादाजी का हाथ का है और पहले पुराने ज़माने में यही काम चालू हुआ था और यही चला था और इसको करते करते आज हम बहुत बड़े मतलब बन गए इसको काम सीखते सीखते और अच्छी अच्छी वेराइटी निकालने लग गए। अपन पहले यही काम चलता था, जाजम बिछावनी गद्दे वगैरह लिए, आज साड़ियाँ सूट दुपट्टे ड्रेस मटेरियल ये सब बनाने लगे।